Welcome to Jacinta Alexander Vlog. हेलो गाइस, सलाम नमस्ते आदाब, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है संडे, आप सभी को संडे की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपको आज बहुत ही आराम मिले, बहुत ही सुकून मिले और अपने घर में अच्छा अच्छा खाना मिले। तो आज गाइस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आज इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ कि घर से बाहर कदम रखते ही अगर आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे भाई धूप। ये देखिए गाइस, ये मेरे घर का बाहर का वरांडा और आप देख सकते हैं कितनी बाहर धूप आ रही है कि धूप गेट पे ही आ गई है। घर से बाहर निकलो तो सारे एसी फील करने वाले, बिल्कुल गर्मी हो रही है भाई। तो आज गाइस, दिन की शुरुआत काफ़ी स्लो हुई है। आज जब हमारे मेड काम करने हैं तो उन्होंने बताया कि पानी आ नहीं रहा है कुछ एरिया में, तो अपना चेक कर लो तुम्हारा वह टंकी में पानी भरा हुआ नहीं भरा हुआ। तो जब मैं ड्यूटी में चेक किया तो पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था क्योंकि जब पानी की सप्लाई पीछे से रुकी हुई है तो पता नहीं आज सुबह पानी आया हो ना आया हो। क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ तो हमें मोटर चलाने की मोस्टली ज़रूरत पड़ती नहीं है, पानी अपने आप ही चढ़ जाता है हमारी टंकी में। लेकिन फिर भी मैं जब चेक किया तो टच वुड, लकीली हमारा पानी मोटर से आ गया, तो मैंने थोड़े देर मोटर चलाया, पानी भर लिया क्योंकि बाहर गार्डन वगैरह में पानी देना होता है। और जिस हिसाब से धूप पड़ रही है गाइस, उस हिसाब से उनको दिन में दो बार पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल सूखे हुए थे, बिल्कुल जो उसकी पानी की मिट्टी होती है ना गार्डन की, बिल्कुल सूखी हुई थी। मैं चलो शुक्र है भाई पानी आ गया, तो राहत की सांस ली हमने कि एटलीस्ट वॉशरूम जाने में दिक्कत तो नहीं आएगी एटलीस्ट, है ना, तो वो ज़रूरी है। तो आपको जैसे कि पता ही है मेरी वाइफ कितनी हार्ड वर्किंग है, बेचारी सुबह सुबह अपने काम पे लग गई क्योंकि उनको पता है भाई संडे का तो बल्कि कुछ ज़्यादा ही मांगेगा। तो देखिए बेचारे सुबह 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 के 9 बज रहे हैं, जो कि अपने बेचारे काम पर लग गई है। ये देखिए, ये भून रही हैं आटा और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए गाइस ये डाल रही हैं, इसमें दूध भी, दूध डाल रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि इन्हें आटे वाले भैया ने बताया था कि अभी एमपी गेहूं थोड़ा सा ऐसा नया आया है जिसकी वजह से रोटी थोड़ी ड्राई बन रही है, तो हम थोड़ा सा इसमें कच्चा दूध भी मिला रहे हैं। हाँ। और गाइस इससे रोटियां क्या बन रही हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग। और कैसी हो आप? मैं बहुत बिजी हूँ, जैसा कि तुम देख रहे हो ना कि मैं किचन के काम में कितनी ज्यादा बिजी हूँ। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ। कुछ काम आपको होता है और कुछ आप काम बढ़ा देती हो अपने आप से ही। आप मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करते हो ना, मैं क्या। हाँ बिल्कुल, भगवान के आगे तो रोज आप ना मत्था टेकते हो, क्या पति मिले मुझे। हाँ, मत्था टेक रही नहीं हूँ मैं, पूरे दंडवत करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। करती मैं आपके ऊपर तो एक गाना बिल्कुल सूट करता है, बिल्कुल टिक के कि तुम मत्थे बड़े रब नू कि मेरे जेहा मुंडा तेनू मिले आ। हाँ, समझ में आ गया। तो गाइस ये काम कर रही है समझ आता है, लेकिन ये दूसरे बंदे को भी काम थमा देती है। इन्होंने मुझे दिए कपड़े तय करो, वो भी कौन से धुले हुए नहीं, अपने अलमारी से निकालो उनको, दोबारा अच्छे तय करो, दोबारा अलमारी बनाओ सुबह सुबह। आप समझ सकते हो, नशा भी नहीं उतरा नींद का भी। ये देखिए गाइस, कितने कपड़े मैंने आज तय करे हैं। तो खुद करने का शौक है, खुद करो, दूसरों को क्यों तंग करना है कि नहीं। तो है संडे, नॉर्मली लोगों का कैसा होता है कि भाई सुबह आराम से उठेंगे, है ना, आराम करेंगे, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, है ना, छुट्टी का दिन है। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे सुबह सुबह इतने काम दे दिए कि भाई टंकी चेक करके आओ, पानी भरो, गार्डन को पानी दो, ठीक है, कपड़े तय करो, पता नहीं क्या क्या दे दिया, बहुत स्ट्रेसफुल। आज मैंने वेदर भी चेक किया, थोड़ा वेदर दिखा रहे थे कि हाँ बारिश आने के संकेत है, लेकिन मेरे को लगता नहीं बारिश आएगी जिस हिसाब से बाहर जितनी धूप पड़ रही है। उफ़, बाकी देखते हैं, कल तो हमने सारी मूवीज देख डाली थी, अब देखते हैं आज का दिन कैसे बीतने वाला है। जहर के कड़वे कड़वे घूट पीने वाले हैं, जहर के कड़वे घूट कैसे, अब मेरे को नीम का पत्ता खाने के, सुबह से ब्लड प्योरीफाई करना होता है। तो ये अपने नीम के पत्ते तैयार हैं गाइस, नीम के पत्ते कड़वे इतने होते हैं कि साथ में केले रख के बैठता हूँ कि जैसे मुँह कड़वा हो तो ऊपर से थोड़ा सा केला भी खा लेता हूँ मैं। अब मुझे पता नहीं है मैं सही कर रहा हूँ गलत, लेकिन गाइस क्या करूँ, इतना मुँह कड़वा हो जाता है कि खाना ही पड़ता है। कड़वा होता है गाइस बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बैक पैक नहीं हो रहे, चेहरे पे हो रहे हो, ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए गाइस ये बेस्ट है। आपको कोई केमिकल यूज़ करने की जरूरत नहीं, कोई बाहर का मटेरियल यूज़ करने के लिए, कोई प्रोडक्ट यूज़ करने के, बस आप नीम खाइए एंड यू आर ऑल सेट। अब गाइस पता नहीं आप लोगों के साथ ये चीज़ होती नहीं होती, मेरे ख्याल से होता ही हो क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ये, अगर हम कोई चीज़ कर रहे होते तो हर जगह हमको वही दिखाई देने लग जाती है माइंड में, क्योंकि वही चीज़ घूमती रहती है। तो गाइस कल हम शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, ग्रोसरी आइटम की शॉपिंग के लिए, तो रोड पे गाइस जितने नीम के पेड़ आ रहे, मेरी बीवी देख देख के खुश हो जा रही कि देखो नीम का पेड़ है, तोड़ के लाओ, नीम का पेड़ है, तोड़ के लाओ। तो एक ऐसी जगह थी जिसकी हाइट थोड़ी नॉर्मल थी नीम के पेड़ की, और बीच ट्रैफिक में मुझे रोड क्रॉस करने के लिए मजबूर किया गया, रोड के बीच में
था वो लगा हुआ, दोनों साइड से ट्रैफिक था, पर मैंने कहा कि थोड़ा रुक के आप जाके ले आओ, तो मैंने ट्रे पकड़ लिया एक ट्रे और मैंने कहा आप जाके ले आओ। तो फिर ये मेरा मुंह देख रहे हैं, कह रही कहाँ भेज रही हो, ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर। मैंने कहा हाँ तो कोई नहीं, रुक जाएगा ना तब जाके ले आना। तो क्या गलत बोला मैंने, अब नीम के पत्ते इतने ऊपर ऊपर होते हैं, अब वहाँ नीचे का तो अब बंदा क्या सोचेगा, ही सोचेगा ना जो सामने दिख रहा है तो वो ले लो। और गैस थोड़ा बहुत नीम तोड़ा है समझा, तो पता है इतनी सारी बेलें तोड़वाती हैं कि हाँ, रोज रोज थोड़ा आएंगे तो इतनी सारी तोड़वाती है। और भाई साहब ऐसा फील आया था जैसे मैं कुछ चोरी कर रहा हूँ। ये देखिए गैस कितना सारा नीम है, और इसको फ्रेश रखने के लिए गैस हम थोड़ा सा कपड़ा गीला करें तो कपड़े में रखते हैं, अगर आपको पता ही होगा किचन संभालते हैं तो, जैसे कि धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये सब हरी सब्जियाँ जो होती हैं अगर हम गीले कपड़े में रखते हैं तो ये फ्रेश रहती हैं। ये टेक्निक हमने गाइस एक सब्जी वाले से सीखी थी। सब्जी वाले अगर आपने देखा हो तो अपने रेडी के ऊपर जो सब्जी रखते हैं उसके ऊपर गीला कट्टा रख देते हैं ताकि सब्जियां फ्रेश रहें। और मेरी बीवी शेफ की बेटी तो इन्हें सब पता है। यार पैसा कमाने से किसने मना किया, पैसा कमाओ खूब कमाओ, लेकिन पैसा कमाते कमाते इतने भी बिजी मत हो जाना कि खुद को ही भूल जाओ। जब उम्र ढल जाएगी ना तब रियलाइज होगा ये जिंदगी थी जीनी थी, गौर करिएगा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमारा एक ग्रेवी वाला चिली चिकन बना है, और ये हमने अपने रोटी के साथ खाने के लिए बनाया। क्या आप देख के समझ सकते हैं कितना डिलीशियस होगा गाइस, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या डला हुआ है। केवल चिकन ही नहीं है इसमें, कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, पता नहीं क्या क्या, और कितने तो ऐसे मसाले डाले गए जिनका मुझे नाम पता ही नहीं है, तो मैं डेप्थ में घुसूंगा भी नहीं, टेक्निकलिटी में नहीं घुसते, केवल स्वाद तक ही सीमित रहते। तो गाइस बहुत ही टेस्टी है गाइस, बहुत ही टेस्टी। गुड इवनिंग गाइस, तो इस संडे की बेहतरीन शाम की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो क्या खा रहे हो आप लोग, कुछ खा रहे हो नहीं खा रहे हो? बढ़िया, संडे की इवनिंग है भाई, कुछ बनता तो है, या तो घर में खाओ, कुछ बाहर जाए खाना चाहिए ना आप लोगों को, संडे है भाई, वाइफ को भी रेस्ट दो। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जो बंदा खुद अपनी वाइफ को आराम नहीं देता, और मैं आपको सलाह बांट रहा हूँ कि वाइफ को आराम दो, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो मेरे चेहरे पे ये पीलापन किस चीज़ का? गाइस मुझे जॉन्डिस वगैरह नहीं हुआ है, प्लीज़ फिक्र मत करिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने लगाया है एंटी टैन रिमूवर का, ना जो भी कहते हैं यार, एंटी टैन टैन रिमूवर का पैक लगाया मैंने, क्योंकि मेरी वाइफ को लग रहा था कि तुम काफ़ी काले लग रहे हो कुछ दिनों से। मैंने कहा चलो भाई करवा लेते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है कि दिल्ली में समय धूप कितनी चल रही है, तो मैंने कर लिया। और आप देखिए कि मैं संडे का कैसे मज़ा ले रहा हूँ, देखिए मेरी डाइट का कितना ख्याल रखा जा रहा है। ये एनर्जी ड्रिंक बोल दो या कुछ भी बोल दो, ये मेरा दूध है ये, क्योंकि मैं एनर्जी ड्रिंक वगैरह में बिलीव नहीं करता। ये देखिए ये मखाने वगैरह, ओए होए होए, ये हल्के से मक्खन में फ्राई हो रखे हैं, क्या मज़ेदार लग रहे हैं। ये थोड़े से रस, और ये मेरी हेल्दी डाइट, आज जिम नहीं गए तो क्या हुआ, डाइट तो लेना बनता ना गाइस। और ये मैं खाऊंगा दो केले। तो गाइस अब ये मैं समझेगा बहुत ही सेल्फिश हूँ, ये सब मैं अपनी वाइफ के साथ शेयर करके खाने वाला हूँ, क्योंकि वो भी अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करती है। ये पैक उसने मेरे साथ शेयर किया है, केवल मेरे के लगाया उसने भी लगाया है। ये देखिए ये तो सच में ऐसी फील ले रही है जैसे किसी स्पा वगैरह में आके बैठी होती है। देखो पैक लगा के अब तो बना लिया मैंने। तो ये गाइस अब चेहरा देख पा रहे हैं, ये वही चेहरा है जो दिन भर काम करता है और थोड़ा वीकेंड पे अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश कर रहा है, वो भी मैंने नहीं देने दिया इस बेचारे को, बोला मुझे तो अपनी डाइट मेंटेन करनी है, कुछ तो खिला दो कुछ तो खिला दो। तो ये एक अच्छी वाइफ होने के नाते इन्होंने अपना फर्ज पूरा किया और मेरे को अच्छे अच्छे खाना खिलाया। देखिए कैसे मुंह चुरा कैसे नहीं आप लोगों से इनको, मैं मना कर रही थी ना मेरा मत बनाओ। अरे कोई बात नहीं, एक ही बात है। देखो गाइस ये बेचारी मेरे को मना कर रही है, तो मैं ज्यादा इसको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि पता है क्या होता है वीडियो में तो मुझे कुछ कहेगी नहीं, लेकिन वीडियो के बाद जो मुझे जूते पड़ने वाले हैं तो मैं वीडियो में थोड़ी सी लिबर्टी ले लिया करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मेरा क्या हाल होने वाला है। पूरे दिन मुझे बोलने नहीं देती, बस एक वीडियो ही ऐसा है, वीलॉग ही ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कुछ अपनी बोल पाता हूँ, दिल की बातें दिल खोल के, क्योंकि वहाँ पे बटन मेरे हाथ में है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ही रोकूंगा, है ना। चलो अच्छा हेलो तो बोल दो, ज्यादा बातें नहीं भी करो तो हेलो तो बोल दो। अगर आपको आवाज नहीं सुनाई दी हो तो ये मत समझो हमारे नेटवर्क में इशू है, इनके मुंह से आवाज कम निकल रही है, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि इनका मुंह थोड़ा हो गया टाइट, क्योंकि पैक गया सूख, तो अभी थोड़ी देर में अपना पैक सूख लेंगी तो अपना सुंदर सुंदर चेहरा दिखाएंगी ये फिर। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैं काफ़ी पूजा पाठ में भी बिलीव करता हूं, और शाम का समय है तो प्रेयर तो बनती है ना। तो देखिए मैंने अपने घर में पूरा पूजा का माहौल बनाया हुआ, आरती धूप वगैरह बिल्कुल घर में सुगंधित कर रखा है। ये देखिए ये टीवी पे मैंने संकट मोचन नाम तिहारो ये भी लगाया हुआ है। तो
गाइज, अगर आपके काम नहीं बनते और आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से एक अपने एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। हनुमान जी की पूजा करने शुरू करिए। वो हमारे हनुमान जी कष्ट निवारक हैं। अगर आप उनका नाम मात्र भी ले लेंगे ना, आप देखेंगे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और गाइज, वो हमारा सब कुछ देखते हैं, हमारा जीवन चला रहे हैं, हमारे लिए अच्छा बुरा सब वो देखते हैं। तो दिन में अगर नाम कुछ देर ले लेते तो उसमें क्या चले जाता है। तो हनुमान जी का नाम जरूर लें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो गाइस, पैक अब मेरा सूख चुका है। लगाना 10 मिनट था लेकिन मैंने लगा लिया 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब थोड़ा ना टाइट फेस हो रहा है। अब मैं धोता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका क्या असर आया है। तो गाइस, मुंह में धोकर आ गया। आप देख पा रहे होंगे मुंह बिल्कुल वेट है। आपके सामने टॉवल से पोंछा ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखे। आप कभी ये ना सोचो भाई तो कोई क्रीम व्रीम लगा के आ गया था बाद में। तो गाइस, आप देख पा रहे हो स्क्रीन में भी कि गाइस क्या लुक आ रहा है। देख रहे हो मुंह, मैं पंजाबी तो वर्ड यूज़ करता हूँ, चिट्टा चिट्टा मुंह, बिल्कुल चिट्टा चिट्टा सा लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है भाई कहीं भी जाने वाले हो ना, कहीं काम से, कहीं इवेंट पे, तो एक बार ना ये कर लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा मैंने कुछ मिलाया नहीं था, हल्दी चंदन है और थोड़ा सा बेसन था और थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया था। और आप लोग देख पा रहे हैं गाइस कितना बढ़िया है। नींबू तो आप समझ सकते हो विटामिन सी है भाई। तो मैं सीरम वीरम लगाने की जगह ये लगाया तो क्या ग्लो आ रहा है गाइस, दिल खुश हो गया बिल्कुल। तो गाइस, मैंने आपको बताया था बजरंग बली का नाम लोगों तो सब काम हो जाएगा। देखो, बजरंग बली जी का नाम लेके मैंने ये फेस पैक लगा और देखो क्या निखार आ गया गाइस, अनमैच्ड। अच्छा, पार्लर फेल कर दिए, बाकी आपकी चॉइस है, पार्लर जा सकते हैं। मेरी पार्लर वाले से कोई लड़ाई नहीं है, आप पार्लर जाइए। मैं थोड़ा देसी नुस्खे में बिलीव करता हूँ क्योंकि मुझे भाई चाहिए चेहरा बिल्कुल क्लीन। ये नहीं उसके बाद में कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे कुछ आ रहे, तो मज़ा ही आ गया। और बीबी क्या बना रही हो अभी, दाल चढ़ाई है? हाँ, दाल बन रही है और एग भुर्जी बन रही है। ओहो, दोपहर को चिकन, अब एग भुर्जी और दाल भी, मजा आ गया। तो गाइस, आज संडे का दिन खत्म होने को है। आज मेरी वाइफ ने खाना हमको जल्दी खिला दिया क्योंकि कल ऑफिस जाना था। मंडे है, हम मंडे ब्लूज में बिलीव नहीं करते। हमारे लिए काम उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। तो हमने जल्दी खाना खा लिया। खाना खाते हम सोते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको पता लग गया खाना खाते अगर सो जाओगे तो पेट निकल जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसलिए अब हम वॉक पे जा रहे हैं। तो अब ज़्यादा मैं बारह शूट नहीं कर पाऊंगा तो वीडियो करना पड़ रहा मुझे यहीं पे अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे और हमारे यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनिए। इसमें हमारा बहुत बहुत आपको धन्यवाद रहेगा, हम बहुत आभार प्रकट करेंगे। तो गाइस, जल्दी मिलते हैं नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खाने पीने का अपना ध्यान रखिएगा। बहुत ही जल्द लौटेंगे नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय बजरंगबली।